जाला न्यूज हापुड़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। मैं मदन चौहान आप सबसे अपील करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी विधानसभा और हापुड़ जनपद का मैं समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव में प्रभारी नियुक्त किया गया हूँ। मैं इसके लिए हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी। मैं इसमें, क्योंकि ये चुनाव ऐसे मौके पर है जब हम सब लोग संकट में हैं, और संकट भी ऐसा संकट है जो असहाय बना दिया है जिसने हम सबको, और इस संकट में आवश्यकता है हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, और इस लड़ाई में ये ध्यान रखें कि जो सावधानी, जो हमारी व्यवस्था बनाई गई है मास्क को पहनने की, दूरियां बनाने की, हाथ और पैर साबुन से धोने की और सैनिटाइज़र का बराबर इस्तेमाल करने की, इन सब दूरियों को मजाक के तौर पे ना लें, इन सब बातों को मजाक के तौर पे ना लें, इनको गंभीरता से इसका पालन करें ताकि हम इससे सावधानी से इसका मुकाबला कर सकें। साथ ही साथ मैं सरकार के सभी सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, इसमें बहुत ऐसे विशेषज्ञों की सलाह ली जानी चाहिए, ऐसे विशेषज्ञों को सौंपना चाहिए काम जिस जो इस वायरस पे काबू करा सके, क्योंकि आज भी वायरस पे काबू नहीं है। टीका बिल्कुल हर व्यक्ति के लिए मुफ्त होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में अस्पताल में लगे चाहे सरकारी में लगे, तभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और इसमें जागरूक करना गांव वालों को भी, क्योंकि गांव में मेहनत कस रहता है, मजदूर रहता है, मजबूर आदमी रहता है, कमज़ोर आदमी रहता है, आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर हैं उनकी भी व्यवस्था सरकार को देखनी चाहिए, हम सब लोगों का उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा अस्पताल के लायक भी नहीं बचता, अस्पताल में भी उसकी भर्ती नहीं हो पा रही है, डॉक्टर भी उसको समय नहीं दे पा रहा, डॉक्टर खुद दहशत में आ गया है। और साथ ही साथ दवाइयों की उपलब्धि, ऑक्सीजन की उपलब्धि, बेड की उपलब्धि, ये तमाम हमको चुनौती खड़ी कर रही है। इस चुनौती के लिए हम सब लोग मिल करके और सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार को बहुत मजबूती से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसे गांव में, क्योंकि अब मुझे लगता है गांव में भी धीरे धीरे फैल रहा है। जिस ढंग से मैं अपने पवित्र गंगा गढ़गंगा के ब्रजघाट पर देखता हूं कि सोयों आजकल अंत्येष्टि लग रही हैं, उनका दाह संस्कार हो रहा है, तो इससे लगता है कि हम इस पे काबू नहीं पा पाए। ऐसे दौर में जहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए था, चुनाव को रोक देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चुनाव में अगर हम आ गए हैं और दो दिन बचे हैं चुनाव के, तो मेरी दो ही अपील है। एक तो चुनाव में वोट देते वक्त ध्यान रखें, सावधानी बरतें मास्क की और दूरियां की। दूसरा मेरी अपील है, मैं समाजवादी पार्टी की ओर से आप सब सम्मानित मतदाताओं का, क्योंकि मतदाता अपने भविष्य के लिए भी तय करते हैं कि आखिर हमारी कौन विकास करेगा, कौन हमारी सुध बुध लेगा, ऐसे प्रत्याशियों को वोट दें। जैसे वार्ड नंबर 3 में राजकुमार प्रधान है जिनका कुल्हाड़ी निशान है, दूसरा समाजवादी का कोई प्रत्याशी नहीं है। जैसे वार्ड नंबर चार में सृष्टि यादव हैं जिनका गमला निशान है, उनको आप वोट दें, दूसरा कोई उसमें नहीं है। हमारा प्रत्याशी अधिकृत सिर्फ सृष्टि यादव, गमले का निशान, कुल्हाड़ी वार्ड नंबर 3 में, सबको इनको अच्छे उम्मीदवार हैं, सबको वोट दें। और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, जिस तरह से सानू प्रधान गिटार है जिनका, उनको वोट दें वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 6 में श्रीमती रविंद्री, उनका घुड़सवार निशान है, उनको वोट दें। वार्ड नंबर 7 में श्रीमती रुचि। इसी तरह से तमाम समाजवादी के अधिकृत प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। ये जीत आपकी अपनी जीत समझिए, हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और हम सब लोग एक टीम बना करके विकास करेंगे। श्रीमती कोसर जहां जो वार्ड नंबर 2 से है,
उगता सूरज उनका निशान है, इनको सबको वोट देना, क्योंकि समाजवादी ने बड़े ढंग से तय किए हैं कि ये आपके बीच में आकर के आपकी सुध-बुध भी लेंगे, आपका काम भी करेंगे, वक्त बेवक्त दुख तकलीफ में हाजिर होंगे। और मैं मदन चौहान आपसे वादा करता हूँ कि मैं तो जैसा पहले था, जैसे मैंने 25 साल से आपके बीच में कर्मठता से काम किया है और इस दूरी को, जो जनप्रतिनिधि और मतदाता की दूरी को कम करने का प्रयास किया है, दुख सुख में एक हाजिर होने का काम किया है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा क्रम ही प्रधान होना चाहिए। अगर हमारे कर्म ठीक हैं, विचारधारा ठीक है, नीति नियत नैतिकता ठीक है, तो निश्चित तौर पे हमारी आम जनता को इसका फायदा मिलता है। उसके लिए हमें कटिबद्ध रहना है। उस कटिबद्धता के लिए हमें, हम चाहते हैं कि सम्मानित मतदाता उचित उम्मीदवारों को, समाजवादी पार्टी की नीतियों को ध्यान में रखते हुए उनको वोट करने का कष्ट करें, ताकि आने वाला समय उनका सुखमय और विकासमय रहे। इन शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी अपील को जरूर ध्यान में रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उजाला न्यूज़।